ये क्वेश्चन सिर्फ नॉन मेडिकल के लिए है। क्वेश्चन ये है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है, तो ए और बी इसकी लेंथ है, रेजिस्टेंस इसकी आर है और सी डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट स्टेट वायर पड़ी हुई है, कैरिंग करंट आई नॉट, करंट डिक्रीजेस टू जीरो इन टाइम टी नॉट, करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो करंट कितना था आई नॉट और बाद में क्या हो गया जीरो। करंट जब चेंज हो रहा है तो बी चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पर बी डिफरेंट है और वो भी चेंज है, तो अगर बी डिफरेंट है हर पॉइंट पर क्योंकि एक्स डिस्टेंस के हिसाब से बी चेंज होगा, तो फ्लक्स भी इस लूप का चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा, आपको बताना कितना चार्ज फ्लो कर गया, चार्ज का फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, कितना फ्लक्स चेंज हुआ अपॉन रेजिस्टेंस आर। तो बेसिकली हमने क्या निकाल लिया, कितना फ्लक्स चेंज हुआ। तो फ्लक्स चेंज में ये बताओ कि बी की वैल्यू एक्स डिस्टेंस पे क्या होगी, इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला। और आप एक स्ट्रिप अगर ले यहां पर, क्योंकि बी चेंज हो रहा है मैंने बताया था एरिया के हिसाब से, तो इसका इसकी लेंथ बी है और लेंथ डी एक्स है, तो एरिया स्मॉल एरिया क्या बनेगा बी डी एक्स। तो आपका जो टोटल फ्लक्स बनेगा यहां से यहां तक उसकी लिमिट लगानी पड़ेगी सी से लेके सी प्लस ए तक, सी से लेके सी प्लस ए तक। तो ये बाहर आ गया 1 बाई एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स, मैथ फाइव लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करके आपके पास ये फाई आएगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर करंट आई है तो फाई की वैल्यू ये थी। तो अगर मैं करंट चेंज करूंगा डेल्टा फाई, तो फ्लक्स भी चेंज होएगा डेल्टा फाई, बाकी तो कुछ एवरीथिंग इज सेम। अब करंट कितना चेंज हुआ, पहले करंट आई नॉट था, फाइनल क्या हो गया जीरो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या चेंज हुआ आई नॉट, इसकी जगह पुट करेंगे आई नॉट तो चेंज इन फ्लक्स आ गया, चेंज इन फ्लक्स को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया। नॉन मेडिकल के लिए, मेडिकल और उनके लिए नहीं है, नॉन मेडिकल का भी एक्सेप्शनल मॉडरेट से ऊपर क्वेश्चन में से है। नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं नॉन मेडिकल के अंदर, मीन्स के अंदर ही, पुराने पेपर आप देखेंगे तो ठीक आते हैं, बट बीच में ना एक आध शॉर्ट लग जाता है, तो उसकी तैयारी है ये बेसिकली। अगर लग जाए तो पता होना चाहिए कि करना क्या है, ठीक। मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा, लॉग में तो वैसे ही नहीं आएगा, ये आएगा मेडिकल नॉन मेडिकल। लो एक वायर है ए बी, ये मूव कर रही है, तो मोशनल ई एम एफ बी एल बी, ये सोर्स ऑफ करंट है, इसमें सोर्स ऑफ बीम वेक्टर यहाँ पर नॉर्मल है और सोर्स ऑफ करंट है आई, तो ये बैटरी की तरह काम कर रहा है, सोर्स ऑफ करंट आई इन दिस सर्किट, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पहला रूल। इसमें दो ई एम एफ काम करेंगी, एक बी एल वी और एक आई इन टू आर, तो जिन क्वेश्चन में दोनों नहीं आ रहे वो तो हो ही नहीं सकता, ए और बी तो गया। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होगा, या किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होगा, बी एल वी माइनस आई आर का सम क्या होगा जीरो। तो यार नेट ई एम एफ क्या होगा, ऐसे कर लेते हैं, किरचॉफ लॉ को छोड़ो, नेट ई एम एफ निकालनी है, नेट ई एम एफ में क्या होगा, बी एल वी आपने जनरेट की ई एम एफ, ये बैटरी इतना काम करेगी और जो आपका करंट है वो पोटेंशियल ड्रॉप जनरेट करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप में क्या होगा माइनस आई इन टू आर, वो फेवर नहीं करेगा, वो अपोज करेगा, उसमें से वो वैल्यू को माइनस करते रहे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है इसमें, ये करना है इस क्वेश्चन में, एक रॉड को हमने वी नॉट वेलोसिटी दी इनिशियल और छोड़ दिया, ये लो छोड़ दिया, वी नॉट वेलोसिटी दी, ये रही वी नॉट वेलोसिटी और हमने इसको छोड़ दिया, और बैटरी से इसमें आई करंट पास हो रहा है। अब ये देखो कि अगर इसमें आई करंट ये बोर्ड के बाहर आ रहा है, अगर आई करंट ऐसे पास हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के ऊपर है, फ्लेमिंग का रूल देखते हैं, लेफ्ट हैंड रूल, बी बोर्ड के ऊपर है, करंट आपके इधर आ रहा है, तो फोर्स कहां लग रही है, मेरी तरफ, फ्लेमिंग का रूल में, क्योंकि इसमें करंट आपने भेजा हुआ है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कहां करेगा, इस तरफ, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बी आई एल, ये फोर्स आपकी इस वी नॉट वेलोसिटी को कम करेगी और अल्टीमेटली ये रॉड डी डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगी। आपको बताना है डी डिस्टेंस क्या है, क्लियर है यहां तक, ये क्यों रुकेगी, एफ इज इक्वल टू बी आई एल, मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, इसलिए रुकेगी, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो मुझे पता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस रॉड की क्या थी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और फाइनल क्या होगी जीरो, हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, अब वर्क डन किसने किया, आपकी फोर्स बी आई एल ने किया, बी आई एल ने रोका एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, तो एफ की जगह पुट कर देना बी आई एल आंसर, तो डी इज द डिस्टेंस जिस पे जाके स्टॉप होगा।